सुप्रभात बच्चों, आप पीछे स्टेज पर देख रहे होंगे नन्हे मुन्ने बच्चे और कभी आप भी गए होंगे। मेरा ये जो इवेंट है कब बुलबुल का, ये बच्चे पीछे जो खड़े हैं ये वो बच्चे हैं जो लाइफ में पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर 3 दिन के गैप के लिए स्कूल से बाहर जाते हैं। और निश्चित है बहुत कठिन होता है अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत कठिन होता है, और जो शिक्षक साथी इनको ले जाते हैं उनके लिए और कठिन होता है, क्योंकि जो बच्चे पीछे खड़े हैं क्लास 3 और 4 के हैं, कुछ बच्चे क्लास 5 के भी होंगे। बच्चे ये वहां पर जब जाते हैं तो इनको अपना पेट खुद बनाना है, अपने बर्तन खुद साफ करना है, नहाना धोना सब कुछ टोटल एक्टिविटी खुद को करना होती है, और ये बहुत कठिन होता है। पहले बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं और अपना नाम लिखा देते हैं, सर मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगी। धीरे धीरे जब गेम पास आने लगता है किसी के पेरेंट्स मना करते हैं, है ना, कोई बच्चा मना कर देते हैं, और जब ये गेम में पहुंच जाते हैं अब इन बच्चों से आप पूछिएगा, कई बच्चे घर को मिस करते हैं, कई बच्चे रोते हैं मुझे तो घर पर जाना है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी लर्निंग होती है, इतना एंजॉयमेंट होता है। तो इन बच्चों के लिए आप क्लैप करेंगे, क्लैप दो। इसकी लगे बहुत अच्छी खेल बनी हुई बेटा, क्योंकि ये पहले क्या होते हैं, पहले तो हार जाते हैं फिर ये जीत के आते हैं, इसके ऊपर खेल बनी हुई है। हाँ सभी बच्चे आप लोग भी बता देंगे, याद है ना आपको, मैं जो भी बोलूंगा उसके पीछे आपको बोलना है लास्ट में होय, क्या बोलना है, जितनी तेज आवाज में आप बोल सकते हैं।
अनय मिश्रा, अनय मिश्रा, लवेश जयपाल, लवेश जयपाल, सोनी तारला, ताली एक साथ बजा लेंगे आराम से मीटिंग हो जाएगी। जन्मेर सोनी, आदित्य सिंह, आदित्य घोष, मितांश मोदी, मितांश मोदी, अथर्व चौधरी, अथर्व चौधरी, रुद्र वासनी, रुद्र वासनी, बुलबुल के लिए मैं ज्योति अग्रवाल मैम को बता रहा हूँ, वो आए। सर थोड़ा आगे 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 मन्नत, आरती सिकरवार, आरवी सिकरवार, अनिता सिंह, ईशा पंचोली, दीप्ति बनावर, ऐशा परमार, जानकी मंगेश यादव, बबली पाल, मीनाक्षी, ईशानी आचार्य, तेजस्विनी, जैनी रॉय, अलीशा रानी बेन, एंजल जाट एंड वनिता उबड़े, क्रम से हम यहाँ पे ग्रुप फोटो होगा। आप लोग पहले बुलबुल बैठेंगी, फिर कबूतर रहेंगे।